नमस्ते फ्रेंड, मेरा नाम अंजलि है और मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो मैंने सोचा इस संडे मॉर्निंग टू इवनिंग मैंने क्या क्या किया, तो पूरा रूटीन्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज सुबह सबसे पहले मैंने लिया है डिटॉक्स वाटर, जो कि मैं बना के रखती हूँ फ्रिज में, 3 दिन तक उसको स्टोर करती हूँ। तो डिटॉक्स वाटर कैसे बनाते हैं, कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, तो मैंने मेरा शॉर्ट्स वीडियो में डाला है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए। और इसको खाने से हमारे बॉडी का जो डिटॉक्स होता है वो प्योरीफाई हो जाता है। तो इससे सबसे पहले मैंने वो ड्रिंक लिया, फिर उसके बाद मुझे आज बड़ा मन था मैगी खाने के लिए, तो मैंने सिंपल सा एक मैगी बनाया मेरे लिए और थोड़ा सा बटर डालकर मैंने उसको खा लिया। फिर उसके बाद क्या होता है ना, क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं हम लोग घर में, तो सिंक क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। तो सारा क्लीनिंग मैंने नहीं दिखाया, नहीं तो आपको। तो सिंक क्लीनिंग होने के बाद जो मेरा वाटर प्लांट है मनी प्लांट, उसको क्लीन वगैरह करके उसका पानी चेंज करके उसको अपनी जगह पे रिप्लेस कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जो सिंक का जो छोटा मोटा जो काम रहता है, लाइक नैपकिन चेंज करो, जो अपनी जगह अपनी सॉल्यूशन रिप्लेस करो, तो सारा काम हो गया। फिर इसके बाद मैं फ्रेश अप होके पूजा पाठ कर लूँगी। सो हाय अगेन। तो आज हम बनाएंगे चिकन, बहुत थोड़ा सा बनाऊंगी मैं। आपको पता है मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी चिकन का करी हो चुका है, मम्मी ने बना चुके हैं मेरे सासू माँ ने। तो ये जो चिकन है मैं बनाऊंगी, थोड़ा सा बनाऊंगी स्पाइसी करके। आज थोड़ा संडे है ना, थोड़ा स्पाइसी खाने का मन कर रहा था। जैसे आप सबको बताया बंगाली लोग हर चीज़ में आलू डालते हैं, तो मैंने भी चिकन में आलू लिया है। मैंने 2 आलू, 1 टमाटो, 2-3 ऑनियन और ग्रीन चिली, लहसुन अदरक, तो सारे चीज़ों को मैं लेकर आई हूँ धो के साफ़ सुथरा करके। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पेस्ट। तो पेस्ट के लिए मैंने ग्रीन चिली को डाल दिया है और अदरक लहसुन को डाल दूँगी। अभी डाल के इसको फाइन पेस्ट नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट बना लूँगी, थोड़ा सा बनाऊँगी। तो सेम जार पे टमाटर का प्यूरी बना रही हूँ, तो मैंने जार यहाँ पे नहीं धोया है, क्योंकि तो मैंने अभी लहसुन गार्लिक का पेस्ट बनाया था। तो सेम जार पे टमाटर, एक ही टमाटर 4 पीस करके काट के, जैसे हमारे घर में बहुत सारा तेलों का एक्सपेरिमेंट होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो नॉनवेज जब होता है ना, चिकन फिश जो भी, जब भी नॉनवेज होता है, तो एक कंपलसरी जो है तेल जो है वो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। तो सरसों का तेल से नॉनवेज बनाने से उसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, अगर आपने ट्राई नहीं किया है सरसों का तेल से नॉनवेज, तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने यहाँ पे 4 स्पून तेल डाल दिया है और 1 तेजपत्ता, देख सकते हो। तो जब चिकन बनता ना, थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाल देती हूँ। तो सरसों का तेल से प्रॉब्लम एक ही है कि कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ जाता है। तो आई थिंक वीकली वंस खाने से कुछ नहीं होगा, तो हम लोग खाते हैं, हम लोग मतलब वीकली 3-4 ड्रेस खा लेते हैं। तो और जो ऑनियन है मैंने उसको चॉप्ड करके रखा था ऑलरेडी, तो चॉप्ड ऑनियन को मैं अभी डाल रही हूँ, डाल के अभी इस सारी चीज़ों को अच्छे से अभी लो फ्लेम पे मैं फ्राई करूँगी। तो प्याज में हाफ फ्राई कर चुकी हूँ मैं, हमेशा प्याज को हाफ फ्राई करती हूँ। पता नहीं, मुझे इस तरीके से अब खाना बनाना पसंद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए, आई थिंक आपको भी पसंद आएगा। तो प्याज हाफ होने के बाद फिर इसमें मैं डाल रही जो पेस्ट, इनिशियली जो पेस्ट बनाए थे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली डाल के, तो पेस्ट को मैं अभी डाल रही हूँ, डाल के सारी चीज़ों को फ्राई करूँगी। तो मेक श्योर जब ये जो टाइम है, तो आप ना का खिड़की और डोर को ओपन कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आएगा अभी। तो मैंने हमारी घर में खिड़की और विंडो सारे मतलब ओपन करके रखा है कि नहीं। तो मसाला मेरा ऑलरेडी फ्राई हो चुका है, ऐसे वाइट वाइट दिख रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने रेड चिली अभी नहीं डाली हुई, इसलिए थोड़ा सा सफ़ेद दिख रहा है। तो अभी मैं डाल दूँगी चिकन, चिकन को धो कर साफ़ सुथरा करके रखा था, फिर चिकन डाल कर सारी चीज़ों को अभी इसको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे मेरा जो फ्लेम है इंडक्शन में मैं कुक कर रही, तो ज़्यादा नहीं है अभी, 700 में रखा है मैंने फ्लेम को, और यहाँ पे मैं अभी कुक करूँगी धीरे धीरे।
तो आलू भी डाल दिया है, डाल के मैं सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे, तो ओपन करके मैं फ्राई कर रही हूँ। तभी इसको कवर कर देंगे, ज़्यादा नहीं, 3-4 मिनट तक कवर कर देंगे। तो मुझे खाना बनाता तो अचानक से मुझे ऐसे हल्का सा भूख सा थोड़ा फीलिंग हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना वाटरमेलन खा लूँ। तो ये जो प्लेस है गूगू का प्लेस है, तो वो ऐसे करके देख रहा मुझे लाइक तुम यहाँ पे आके क्यों बैठी हो, मैं तुम्हारे बेड पे जाके बैठती हूँ क्या, तुम्हारे बेड पे मैं खाना खाती हूँ क्या, मतलब उसके फेस पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे मैं उसको ना ऐसे चिढ़ाते मैंने देखा यार तेरे जगह पर बैठ के ही मैं खाऊंगी, तो इज़ अ पार्ट ऑफ जोकिंग। तो ऐसे मैं खा रही थी, फिर मैंने उसको एक छोटा सा एक पीस दे दिया खाने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम ना मैं गूगू का फेस का वीडियो में बना के आपको दिखाऊंगी। अगर कोई बंदा बंदी घर के कोई भी सदस्य उसको बिना दे के थोड़ा सा भी मुंह पे डाल देना, इधर पानी भी हो, गूगल का मुंह से इतना पानी मतलब सलाइबा आएगा, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। नेक्स्ट टाइम आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, तो फिर अभी जाएंगे कुकिंग की तरफ। तो देखते हैं, ऑलरेडी 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसको ओपन करके थोड़ा सा देख लेते हैं नीचे लगा या नहीं लगा, सारी चीज़ों को एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने देख लिया कुछ लगा नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ पे जो टमाटो का प्यूरी है, तो इस पार्ट पे मैं अभी टमाटो का प्यूरी ऐड कर दूँगी, ऐड करके सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिला लूँगी। तो यहाँ पे मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, कलर के लिए भर के एक स्पून ही डाला है, हाफ स्पून में डाल रही हूँ रॉक सॉल्ट। तो जैसे मैंने हर वीडियो में मैं बताती हूँ, रॉक सॉल्ट खाने से इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, और जो लोग किडनी पेशेंट है उन लोगों को रॉक सॉल्ट मतलब नॉर्मल सॉल्ट तो नहीं दे सकते, रॉक सॉल्ट थोड़ा सा दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ स्पून हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और मैं डालूँगी अभी मसाला, चिकन मसाला पाउडर अभी मैं डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, ये मेरा ग्रैंड मदर का ट्रिक है, क्योंकि वो विलेज से बिलोंग्स करती है, तो हमेशा बाँ हाथ से मसाला डालने से खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, ऐसे उन्होंने मुझे बचपन में बताया था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बाँ हाथ से मसाले को डाल दिया, देखते कितना अच्छा बन जाता है। तो सारी चीज़ों का फिर से अच्छे से मैं मिला लूँगी। सो धीरे धीरे अभी यहाँ पर मैंने फ्लेम को थोड़ा बहुत लो कर दिया है 350 तक, और यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिला रही हूँ। तो सारे चीज़ों को मैं अच्छे से मिला रही हूँ यहाँ पे। तो एक काम करेंगे, मिलाने के बाद फिर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, लो फ्लेम पे कवर कर देंगे, तो चिकन जितना परसेंट जो बॉयल बाकी है तो बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी तो नहीं डालूँगी मैं ट्राई करूँगी इसको ऐसे सूखा सूखा फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा डाला है क्योंकि ये घर के बना है गरम मसाला है, और ये बहुत ज़्यादा खुशबू है इसलिए थोड़ा सा डाला मैंने। तो ये जो सूखा चिकन है, अगर आप रोटी बना रहे हो तो रोटी के साथ बहुत अच्छा लगेगा, अगर राइस के साथ खा रहे हो तो ये भी बहुत टेस्टी रहेगा, इसलिए आज मैं ऐसे बना रही हूँ क्योंकि मुझे सूखा चिकन। और तो मैं एक बार मेरे आंध्रा की जो एक फ्रेंड है उसने इनवाइट किया था घर में, तो उसके घर में मैंने ऐसे चिकन एक बार खाई थी, उसने बनाए थे, तो मैं ट्राई करूँगी उसके जैसा बनाने के लिए। बट बहुत सिंपल वे से बनाया क्योंकि आंध्रा स्टाइल चिकन में वो लोग कड़ी पत्ता यूज़ करते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम आंध्रा स्टाइल सूखा चिकन ज़रूर मैं बनाऊँगी आपके सामने। तो यहाँ पे मैं बार बार इसको हाथ को चला रही हूँ क्योंकि पानी नहीं हो तो लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मेक श्योर आप जब भी सूखा चिकन बना रहे हो तो बार बार उसको ओपन करके चेक करके बार बार उसको आपको हाथ को चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे से पूरा जल जाएगा। तो जैसे आप सबको पता है हम लोग कुछ भी मसाले हो जो हो कुछ वेस्ट नहीं करते, तो मैंने मेरे मिक्सी जार में 1 कप पानी डाला है क्योंकि मुझे अभी पानी की ज़रूरत है चिकन की ग्रेवी में। तो 1 कप पानी से धो के जार से वो सेम पानी मैं अभी मेरे चिकन मसाले में डालूँगी। सब करते हैं ऐसे घर में, कुछ नया नहीं है इसमें। और अभी काम करती हूँ, फिर से चला लूँगी और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी मैं, क्योंकि मेरा चिकन ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है, ऑलमोस्ट 50% हो चुका है। रिमेनिंग जो बॉयल्ड है अभी मैं कर दूँगी 5-7 मिनट लो फ्लेम पर इसको बॉयल कर दूँगी। तो सूखा चिकन रेडी हो चुकी है मेरी, अभी मैं खाना खाऊंगी। तो मैं देख रही हूँ और कुछ बाकी है या नहीं सॉल्ट वगैरह, तो मैंने सारे चीज़ों को चेक कर लिया है, सब कुछ रेडी है। और इतना अच्छा खुशबू, मतलब मुझे इमीडिएट भूख लग गई। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना प्लेट्स रेडी करके लेके आई खाने के लिए। तो है सूखा चिकन और राइस और दही। तो आई थिंक आप भी घर में इसको ट्राई करना चाहिए क्योंकि सूखा चिकन रियली बहुत टेस्टी होता है। फिर लंच के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया मैंने। तो यह है शाम के टाइम, तो अभी मैं गूगू को बाय कर रही हूँ, गूगू उधर बैठे हैं, मैं उसका क्लिक
नहीं ले पाई, तो हम लोग जा रहे हैं बाहर। मैं आपको दिखा तुम्हें कहाँ जा रही हो। तो जैसे कि संडे है तो ऐसा लगता है शाम को थोड़ा बाहर जाए तो यू नो दिन कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं, घर के पास हसूर में हम लोग आ गए, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर ड्राइव करते हुए। तो यहाँ पे खाना आइसक्रीम एक शॉप है, यहाँ पे हम लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे ना इनका खुद का प्रोडक्शन रहता है। इसका जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, टेस्टी है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, दही कुछ बटर और जो भी हो चाहिए तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे वड़ा सब कुछ मिलता है। तो मैंने वड़ा वगैरह तो ट्राई नहीं किया, मैं सिर्फ एक आइसक्रीम लूँगी। तो यहाँ पे मुझे मम्मी जी पूछ रही थी कौन सा फ्लेवर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मेरे लिए मैंने लिया है मैंगो फ्लेवर। तो खा रही हूँ मैं, आपको दिखा रही हूँ मैंगो फ्लेवर। और ये कुछ प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने शॉप का नाम भी नहीं बताया मैं आपको। तो फिर उसके बाद हम लोग खाना पीना शॉपिंग जो भी करना था, उसके बाद फिर से हम लोग आ रहे हैं रिटर्न द अदर रोड पे। ये बहुत ज़्यादा डार्क है और यहाँ पे मेरा हस्बैंड मुझे बोला है भूत की स्टोरी सुनेगा। मतलब क्या बताऊँ, इतना डार्क रोड में वो बोल रहा है भूत का स्टोरी सुन। अरे अराउंड 9 PM बज चुका है ऑलरेडी। तो सडनली मुझे याद आया है मुझे नेल रिमूवर लेना होगा क्योंकि कल से फिर से ऑफिस है, तो फिर नहीं आ पाऊँगी। तो यहाँ पे आ गए हम लोग जूडियो पे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सस्ता से नेल रिमूवर मिल रहा था। तो क्या किया मुझे यहाँ पे छोड़ के मम्मी जी और मेरा हस्बैंड दोनों खाने के गए मोमोस। मुझे नहीं लिए, मैंने मना किया मुझे मोमोस नहीं खाना है। तो कुछ नहीं, मैंने जस्ट एक नेल पॉलिश और नेल रिमूवर लिया, फिर उसके बाद आ गए सडनली घर वापस। तो यहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं घर। घर जाके अभी फ्रेश अप होके डिनर वगैरह करके सो जाऊँगी। तो यहाँ पे गूगल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर आ रहा है मुझसे मिलने। तो ये था मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन संडे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।